दोस्तों स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। हम सभी लोगों से बात करूंगा व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर एड्रेस ऐड कैसे करते हैं, लोकेशन या एड्रेस ऐड कैसे करते हैं, आज हम सभी लोगों को बताऊंगा। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और कहीं पर इस वीडियो को एक लाइक भी करते जाएं। सबसे पहले आप सभी लोगों को बता दो, व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर एड्रेस को ऐड करने का ऑप्शन जब भी आता है जब आप सभी लोग ऐप को लॉग इन करते हो। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएं और व्हाट्सएप बिजनेस सर्च करें। और इसमें कोई अपडेट मिलता है तो उसको कर लें। करने के बाद ओपन करें। इससे होता क्या है कि अगर अपडेट आता है और आप सभी लोग फिर एड्रेस ऐड करने के लिए जाते हो तो वहां पर सही से ऐड नहीं हो पाता। उसके बाद में ही ओपन करें, यानी कि अपडेट करने के बाद ही ओपन करें। ओपन करने के बाद 3 लाइन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सेटिंग पर क्लिक करें और यहाँ पर सीधा अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करें। नीचे आपको लोकेशन मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के नीचे लोकेशन मिलेगी। सीधा इसके सामने पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एड्रेस को लिख भी सकते हो जो भी है, तो मैं अपनी सिटी का नाम लिखता हूँ हापुड़, और नीचे सर्च भी कर सकते हो। सीधा नीचे क्लिक करें और जो भी लोकेशन है उस पर टिक लगाएं। आपकी कोई शॉप है तो उस पर टिक लगाएं इस तरीके से, जहां पर भी है वहां पर लोकेशन को सेट करें इस तरीके से, कहीं पर भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहां पर डन पर क्लिक करें। इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हो। हापुड़ से पहले शॉप नंबर मैं डाल देता हूं। इस तरीके से शॉप का नाम एंटर करने के बाद में अपनी सिटी का नाम, उसके बाद में स्टेट का नाम, इस तरीके से भी कर सकते हो। उसके बाद में पिन कोड ऐड करें, इस तरीके से भी कर सकते हो। करने के बाद उसके बाद में यहाँ पर सेव पर क्लिक करें। इस तरीके से व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर आपका एड्रेस ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से करते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आती है बस करते जाएं। मिलते हैं, आपका धन्यवाद। जय हिंद।